ट्रैफिक की बहुत ज़बरदस्त समस्या है। यहाँ पे ट्रैफिक इस प्रकार से लगता है कि आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। दूसरी बात, यहाँ के जो तालाब हैं, कुएँ हैं और जो सार्वजनिक स्थल्स हैं उस पर यहाँ के लोग कब्जा कर रहे हैं। उसके लिए प्रशासन से मेरी प्रार्थना है कि प्रशासन इन सब चीज़ों पर ध्यान रखते हुए इनके साथ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, और जो ट्रैफिक की जो समस्या है, जो रोड की समस्या है, उसमें पुलिस बल कम पड़ रहा है, उसको भी बढ़ा करके रोड पर लोग बीच में गाड़ी खड़ा करके जो है बात करते हैं और लोगों को समस्या होती रहती है। इसके लिए सरकार का कोई ध्यान नहीं है। जितना पोखरा और तालाब कब्जा हो रहा है, इससे क्या नुकसान हो सकता है? नहीं, इससे क्या होता है ना कि हमारे पर्यावरण और हमारे लोगों को जीवन जीने की तमाम समस्याएं, पानी की समस्या और तमाम जो है पशु हमारे मर रहे हैं, जो है अभी गौशाला में 4-5 पशु गाय मरी हुई नज़र आ रही हैं। गर्मी का समय है, इस समय जो है पानी की बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। सूखा एकदम अकाल की तरह कार्य कर रहा है। तो हमारा जो है प्रशासन से ये निवेदन है कि इस पर ध्यान दिया जाए और इस प्रकार की समस्या हमारे मिर्ज़ापुर ज़िले में जो है ना आए, उसके लिए कठिन से कठिन कार्य और कड़े कानून लाए जाए। जो है जलकुंभी इस्तेमाल पूरा मोहल्ला करता, अभी दो दिन बोली का लब्बा चला गुरु चला जाएगा। इतना अच्छा शिकार तो लोग दिखाई दिया, क्या पीछे चला जाएगी। स्कीम बढ़िया है, पानी ज्यादा नहीं है। पंद्रह सौ रुपया स्क्वायर फीट हो गया, 1200-1500। मुँह पर ना पानी चुहा था मछलियाँ देख के, कहता हमको खींच ले जाए, ऐसा मछली हो तो बड़ा मछली रेत का नहीं, दाँते से पकड़ ले भागे हो रहे। 5 किलो 8 किलो का चीज बा, हम मान लो मुँह से दाग लिए तब क्या करब, मुँह तो इतना बड़े खुलत हो कम से कम, हाथ चाटे हमारे तार पकड़ लिए तब क्या करब। 250-250 रुपये देता सोचो, इतना बड़े बड़े बिल्डिंग बन गया। चलिए चलो सही ना। हाँ तो यहाँ से जाए बजे रास्ता दे दिए, रास्ता दे दिए आराम से, घर पर बनाइए तो हर हो जाएगा। चलो।